Hello dear students, extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 7th February 2022. I'm sure children you all are keeping in good health, taking good care of yourselves. Do keep on following all the COVID protocols, do keep on taking all the safety precautions. Stay happy, healthy and safe children. And at the same time, I hope that you have started your preparations for evaluation 3 exams. Next uses aap exam start honge. And from today onwards, your oral assessments are starting. So children, make sure that you appear for all the oral assessments. ठीक है, सबके सब में marks हैं. And make sure कि आप सारे के सारे आपके oral assessment आप attend करें. ठीक है, किसी में भी absent होगे तो you'll be mark zero. Okay? So स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल. एंड अभी जो भी आपके वीडियोज़ हैं दे आर ऑल फॉर रिविजन. ठीक है, वो सारे रिविजन के वीडियोज़ हैं. ओके चिल्ड्रेन, सो टुडे आई एम गोइंग टू डू वन मोर एक्सरसाइज विच इज़ बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज लाइक जैसे हमने बहुत अलग अलग डिफरेंट तरह के किए. ठीक है, सो प्रीवियस क्लास में वी डिड वन एक्सरसाइज जिसमें कि हमने आइसक्रीम फ्लेवर्स के बारे में बात किया था. तो वी कैन यूज़, जैसे मैंने बताया कि वी कैन यूज पिक्चर्स एंड वी कैन यूज नंबर्स ऑल्सो. ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में जो हमने किया था उसमें पिक्चर्स वर देयर. ठीक है, क्लास में भी वी हैव डन लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस एंड वीडियोस में भी मैंने बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराए हैं. तो जो प्रीवियस क्लास में हमने किया था उसमें क्या था, आइसक्रीम फ्लेवर. ठीक है, सो वी आई हैड यूज पिक्चर्स. पिक्चर्स भी अगर दिए हैं तो आप इजीली काउंट करके उनका नंबर बता सकते हो, बिकॉज वन पिक्चर स्टैंड्स फॉर वन. ठीक है, अभी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें यहाँ पे नंबर इज गिवन. ओके, नंबर ऑफ कार्स इज गिवन. सो फॉलोइंग द क्वेश्चन इज, मैं हेडिंग वगैरह नहीं लिख रही हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस. तो फॉलोइंग आर द numbers of cars of different different colors colors colors. ठीक है, following are the number of cars of different colors in a showroom, in a शोरूम. ठीक है, जैसे शोरूम कार्स का शोरूम होता है, जब कार खरीदने जाते हैं लोग या कोई भी व्हीकल लेने जाते हैं तो अलग अलग कलर की व्हीकल्स होती हैं. पीपल चूज अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, वो कलर चूज़ करते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे कार का एक शोरूम है, वहाँ पे अलग अलग कलर्स की जो कार्स हैं. ठीक है, तो द डेटा इज कार कलर. ठीक है, एंड हियर इज N U M B E R, number of cars. Okay, number of cars. Now what are the colors? Red car, it is 16 in number. G R E E N, green car, this is 12 in number. Blue car, this is 5 in number. Black car, black car is 4 in number. And white car, white, white car. White car is 13 in number. ठीक है, now what you have to do is, ये आप पहले डेटा लिखोगे, उसके बाद इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस. ठीक है, इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस है तो यू कैन इजीली आंसर. मैं साइड में हो जा रही हूँ सो दैट यू कैन राइट द डेटा. ठीक है, आप जल्दी से डेटा लिख लो, मैं साइड में हूं. राइट द डेटा फास्ट चिल्ड्रन.
सो आई होप एवरी वन हैज रिटन. ठीक है, तो अभी इसको मैं इरेज कर रही हूँ. ओके, आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड नाउ आई विल राइट द क्वेश्चंस. अभी मैं क्वेश्चंस लिखूंगी. इरेज कर दो इसको. हियर आई हैव नॉट यूज्ड द पिक्चर्स. ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस में हमने क्या किया, पिक्टोग्राफ यूज किया. दैट मींस इन मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस वी हैव यूज्ड पिक्चर्स. यहाँ मैंने पिक्चर्स नहीं यूज किया, यहाँ पे स्ट्रेट अवे मैंने नंबर लिखा है बिकॉज यहाँ पे नंबर थोड़ा ज्यादा है. और अगर इफ वी टेक वन सिंबल फॉर वन देन बहुत ज्यादा पिक्चर्स हो जाएंगी. तो इट इज नॉट नेसेसरी वी टेक वन सिंबल फॉर टू ऑल्सो, थ्री ऑल्सो, थ्री और फोर ऑल्सो, फाइव ऑल्सो, इवन टेन ऑल्सो. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द डेटा. बट सिंस अभी तक हमने जो क्लास में किया है, वी हैव डन वन सिंबल फॉर वन नंबर फॉर वन सिंबल. ठीक है, वन सिंबल स्टैंड फॉर वन, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं बनाई है. आई हैव रिटन द नंबर्स. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन इज, टेबल सबने देख लिया, आई एम श्योर सबने लिख लिया है. नाउ बेस्ड ऑन द टेबल, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन, वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन से पहले आप ये लिखोगे, नाउ आंसर द Q-U-E-S-E-I-O-N-S. Answer the questions. Okay? Now first is, how many cars are there in the showroom? ठीक है, एस एच ओ डब्ल्यू आर डबल ओ एम. हाउ मेनी कार्स आर देयर इन द शोरूम. शोरूम में कितनी कार्स हैं. ठीक है, तो कितनी कार्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्स वी हैव टू फाइंड आउट. सो दैट मींस अलग अलग कलर्स की जो कार है सबको हम टोटल कर देंगे तो वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ कार्स. ओके, सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंट नंबर ऑफ कार्स, कितनी कितनी कार्स थी. इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वॉज, सबसे पहले क्या थी, रेड कलर की कार थी. रेड कार्स वर 16 इन नंबर. ठीक है, 16 प्लस देन ग्रीन कार्स वर 12. तो 16 प्लस 12 देन ब्लू कार्स वर 5. ठीक है, ब्लैक कार थी 4 एंड वाइट कार्स वर 13. ठीक है, अलग अलग कलर्स की कार थी. रेड कार्स 16 इन नंबर, ग्रीन 12, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ब्लैक 4 एंड वाइट 13. नाउ ऐड दिस, इसको आप ओरली भी कर सकते हो एंड अगर ओरल नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन यूज योर पेंसिल एंड पेपर ऑल्सो. तो 16 प्लस 12, 16 में 12 फॉरवर्ड काउंट करेंगे तो 28 आएगा. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 एंड देन 50. So total number of cars is 50. ठीक है, so what is the total number of cars in the showroom? Answer is 50. ठीक है, no. Question number 2 is, how many blue cars are देयर. ब्लू कार्स कितनी थी वहां पे शोरूम में, कितनी ब्लू कार्स है. रेड, ग्रीन, ब्लू, 5. तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट हाउ मेनी ब्लू कार्स आर देयर. आंसर इज 5. ठीक है, नाउ सेकेंड थर्ड क्वेश्चन इज, विच कलर कार इज द मोस्ट पॉपुलर. ठीक है, कौन सी कलर की कार सबसे ज्यादा पॉपुलर है. ठीक है, और विच कलर कार इज एम ए एक्स आई एम यू एम मैक्सिमम इन नंबर. ठीक है, विच
कलर कार इज मैक्सिमम इन नंबर, मतलब किस कलर की कार सबसे ज्यादा है नंबर में, तो कौन सी है? 16, 12, 5, 4 and 13, ठीक है ना? तो कौन सी कार सबसे ज्यादा है? द कार विच इज 16 इन नंबर, और 16 नंबर की कार कौन सी है? रेड, ठीक है? तो विच कलर कार इज मैक्सिमम इन नंबर? आंसर इज रेड, ठीक है? That means red is the most popular color. So red color car is maximum in number. Now write these three question answers, children. फिर मैं और लिखवाऊँ. चलो everyone has written. सबने लिख लिया? ये three question answers मैं erase कर रही हूँ. ये भी मैं erase कर दे रही हूँ. Question number 4 is, question number 4 is, answer the question, इसको मैं पूरा erase कर देती हूँ, ठीक है? Question number 4 is, how many, more GREEN green cars are there as compared to blue cars, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर ग्रीन कलर ग्रीन कार्स आर देयर एज कंपेयर टू ब्लू कार्स, मतलब कितनी ज़्यादा जो ग्रीन कार्स हैं वो ब्लू कार से कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है, ठीक है? तो मैंने बताया था कि वेदर इट इज़ मोर और लेस, चाहे मैं ज़्यादा पूछूँ या कम पूछूँ, ठीक है? इन बोथ द केसेस वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस, ठीक है? मैं चाहे ज़्यादा पूछूँ चाहे कम पूछूँ, दोनों ही केसेस में हमें क्या करना होता है? वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस, ठीक है? दोनों ही केसेस में हमें डिफरेंस पता करना है, ठीक है? तो डिफरेंस इसमें से पता करना है, जो ज़्यादा है उसमें से हमें कम माइनस कर देना है ना? तो यहाँ पे हाउ मेनी मोर ग्रीन कार्स, ग्रीन कार्स आर 12 इन नंबर, ठीक है? तो 12 माइनस एंड ब्लू कार्स कितनी थी नंबर्स में? ब्लू कार्स आर 5, ठीक है? ब्लू कार्स आर 5 इन नंबर, तो 12 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना होगा? 12 में से 5 बैकवर्ड काउंटिंग करो, 12, 11, 10, 9, 8, 7, ठीक है? तो आंसर इज हाउ मेनी मोर ग्रीन कार्स आर देयर एज कंपेयर टू ब्लू कार्स, आंसर 7, ठीक है? 7 कार्स, 7 मोर ग्रीन कार्स आर देयर. सिमिलरली इफ आई आस्क यू हाउ मेनी लेस ब्लैक कार्स are there as how many less black cars are there as compared compared to white cars, ठीक है? यहाँ पे मैंने पूछा कि व्हाइट कार्स के कंपैरिजन में रेड कार्स कितनी कम है, सॉरी ब्लैक कार्स कितनी कम है, ओके? तो अगेन वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर बिटवीन ब्लैक कार्स एंड वाइट कार्स. हमें ब्लैक और वाइट कार्स के बीच में जो भी उनका जो भी नंबर है उस पर डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो इसमें से जो भी कार ज़्यादा है नंबर में उसमें से हम कम को माइनस करेंगे. तो वाइट कार्स कितनी थी? वाइट कार्स आर 13 इन नंबर, ठीक है? व्हाइट कार्स आर 13 इन नंबर्स एंड ब्लैक कार्स कितनी थी? ब्लैक कार्स आर 4 इन नंबर. तो अगेन 13 माइनस 4, तो 13, 12, 11, 10, तो आंसर इज 9, ठीक है? तो हाउ मेनी लेस ब्लैक कार्स आर देयर एज कंपेयर टू व्हाइट कार्स, अगेन आंसर इज 9, ठीक है? तो ये मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ कि वेदर यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी मोर या हाउ मेनी लेस, जो भी आपको बताना है, मोर या लेस जो भी बताना है, इन बोथ द केसेस यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस, ठीक है?
ज्यादा में से कम। यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी मोर ग्रीन कार्स, दैट मीन्स कि ग्रीन कार ज्यादा है, तो हमने ग्रीन कार्स में से ब्लू कार्स माइनस कर दिया। और यहाँ पूछा हाउ मेनी लेस ब्लैक कार्स, तो ब्लैक कार्स कम है, वाइट ज्यादा है, तो हमने अगेन यहाँ पे 4 में से 13 तो माइनस नहीं कर सकते, तो मोर फाइंड आउट करना है या लेस फाइंड आउट करना है, दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है, ज़्यादा में से कम माइनस करना है एंड यू विल गेट द डिफरेंस। तो आंसर इज 9। ओके सो चिल्ड्रन, राइट दीज टू क्वेश्चन आंसर्स एंड नाउ आई होप आई हैव गिवन यू इनफ प्रैक्टिस फॉर डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइजेस को मैंने बहुत आपको प्रैक्टिस दे दी है एग्जाम में, आई डोंट थिंक देर शुड बी एनी प्रॉब्लम। ओके सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।